नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने एसपी राहुल शर्मा के साथ रोहतक के सांगी, चिड़ी, बनियानी और इस्माइला गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और गांव में तैनात की गई फील्ड में हेडक्वार्टर टीमों के सदस्यों से जानकारी हासिल की। इस दौरान डीसी ने ग्रामीणों से भी सीधी बातचीत की और ग्रामीणों से पूछा कि गांव में कितने लोग बीमार हैं, पिछले माह के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई है और मृत्यु का कारण क्या रहा है। कैप्टन मनोज कुमार ने ग्रामीणों से कहा कि वे अन्य लोगों को जांच के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि महामारी को लेकर भयग्रस्त ना हो और इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार आरंभ होने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसे गांव के आइसोलेशन सेंटर में रखें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। नजर आ रहा है फर्क के पॉजिटिविटी बहुत नीचे आई है पिछले 4-5 दिन में और फेटेलिटी बहुत नीचे आई है पिछले 4-5 दिन में। पूरे जिले का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 1000 के आसपास बेड, 985 के आसपास ऑक्यूपाइड रहते थे, इंक्लूडिंग PGI, सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और CHC को शामिल करके। अभी वो आंकड़ा बिलो 900 आ गया, आज मेरे ख्याल में 888-89 के आसपास है, तो 100 के करीब हमारे बेड्स खाली हुए हैं। दैट मीन्स एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है गाँव में भी, शहर में भी। गाँव में आज मैं और SP साहब काफ़ी गाँव में घूमे हैं, करीब करीब हमें दुरुस्त व्यवस्था नज़र आई है। अभी 2-tier टीम्स हमने हर गांव में बना दी है, जैसे फील्ड टीम घूमेगी और हेडक्वार्टर टीम उसका उपचार करेगी। साथ में जो हॉटस्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए थे उसमें आइसोलेशन सेंटर्स भी हमने गांव के अंदर ही बनाए हैं। गांव के लोग बहुत खुल के आ नहीं रहे हैं अभी और उन आइसोलेशन सेंटर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ गाँव वालों से बात भी करी है हमने कि इनका इस्तेमाल करें, कोई अगर संक्रमित है तो घर में ना रहे जहाँ तक संभव हो ताकि औरों को बीमारी ना लगे। एक दो लोगों ने मुझे बताया कि कोई मेडिसिन की किट शायद वक्त पर उनको नहीं मिली, उसका निदान करने के लिए हमने मेडिकल स्टाफ को बोल दिया, डॉक्टर्स को उनको, और साथ में हमने अपना जो एक 10-line कॉल सेंटर है मेरा रोहतक में 1950 पे, वो लोग डेली अब मॉनिटर करेंगे, वो शुरू कर चुके हैं। वो वहाँ भी हमने किट्स रखवाई है कि जहाँ अगर उपलब्ध नहीं है शहर में तो वहीं से भिजवाएंगे। साथ में गाँव के जो पॉजिटिव लोग हैं हमारे 2155 के आसपास शायद कल थे, तो उन लोगों को रैंडमली कॉल करेंगे और पूछेंगे तुमको दवा मिली कि नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कोई पूछता है कि नहीं, आशा वाले लोग आए कि नहीं या DO की टीम आई कि नहीं, यू नो, तो वो सारी चीज़ें हम पता कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज सेटिस्फैक्ट्री है, वी आर इन कंट्रोल और भगवान की कृपा से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। अभी मैं समझता हूँ कि आगे चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। अभी हमारे पास शहर में भी बेड्स की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है और ड्रग्स की भी कमी नहीं है, और 2000 किट्स हमने अभी शहर में अलग से बाकी सारी चीज़ों से अलग बनवाई है। और जो होम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के निर्देश पे एक नई किट भी आई जिसमें किताब भी शामिल है, एक स्टीमर भी शामिल है उसके अंदर, डिजिटल थर्मामीटर भी है और पल्स ऑक्सीमीटर भी है, वो सारी चीज़ें भी मुहैया कराई जा रही हैं अभी और वो सब ग्राउंड पर धरातल पर आ चुकी हैं चीज़ें अभी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई किसी को डरने की आवश्यकता है। जैसे ही महसूस होगी उनको वील प्रेस देम इनटू सर्विस। आपको जैसा कि आप जानते होंगे 17 एम्बुलेंस तो अकेले CMO के पास ही हैं और इससे ज़्यादा एम्बुलेंसेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास हैं, साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी एम्बुलेंसेज हैं। इसके अतिरिक्त 20 इनोवा गाड़ियां पुलिस की जानिब से भी CMO को सौंप दी गई एम्बुलेंस के तौर पर, तो हमारे पास कोई कमी नहीं एम्बुलेंस की। और इसके अतिरिक्त PGI में भी एम्बुलेंसेज उनकी अपनी हैं जहाँ भी आवश्यकता होगी, और ये 5 बसें ही नहीं हम 50 बसों की भी एम्बुलेंस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर इन दिनों जो ऐसे देखता हूँ इसको कि हवन करना कोई बुरी बात नहीं है, उससे कोई शुद्धि ही होती है, साथ में खुशबू फैलती है, वातावरण में एक पॉजिटिविटी आती है, परंतु ये कोविड का उपचार करने का कोई तरीका नहीं है। हवन से कोविड ठीक नहीं होता है, तो हमको कोई टोने टोटके में यकीन नहीं करना है कि फला चीज़ से हो गया, इस चीज़ से हो जाएगा, नहीं, नथिंग डूइंग। कोविड एक बीमारी है जो दवा लेने से ठीक होगी, परहेज करने से ठीक होगी, या आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग वगैरह, हैंड हाइजीन रखेंगे तो आपको होगी ही नहीं। हवन करना बुरी बात नहीं है, हवन लोग घर में भी करते ही हैं, गली में करें, गांव में करें, परंतु कोविड का वो उपचार नहीं है, ऐसा प्रचार ना करें। ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, दवाओं की कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल बेड की कोई दिक्कत नहीं है, ऑल अंडर कंट्रोल। नया प्लांट लगाने की बात चल रही थी तो उसका प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया सिविल हॉस्पिटल में और NHAI की मार्फत वो लगना है, वो लोग काम पे लगे हुए हैं। लेट अस सी कितना जल्दी हो जाए। एक प्राइवेट पार्टी की जानिब से भी हम कोशिश कर रहे हैं
कि एक छोटा प्लांट जो एक 25-30 बेड के अस्पताल को संभाल ले, वो भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी धरातल पे आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लॉकडाउन की वजह से गेहूं की खरीद कुछ रुक गई थी, सरकार की तरफ से आदेश आए हैं, तो फिलहाल क्या स्थिति? गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी वापस दोबारा वेंसडे थर्सडे को, और कई जगह से उठ भी गया, एमएम से भी उठ गया था, शायद किलोई में कुछ मेरे ख्याल से समस्या थोड़ी बची थी, वो भी शायद मेरे ख्याल में खरीद हो गई उधर भी, थर्सडे या फ्राइडे को हुई है खरीद, कुछ और बचा खुचा होगा तो उसको भी देखेंगे हम। एक आपके क्षेत्र के अंतर्गत सापला की अनाज मंडी आती है,